हे गाइस, वेलकम बैक टू द फ्रेश न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे हनुमान मंदिर, जो कि पटना का हनुमान मंदिर फेमस है, उसको आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, जो कि जस्ट मेरे पीछे आप देख सकते हैं। और ये जस्ट पटना रेलवे स्टेशन, पटना जंक्शन जो है उसके जस्ट सामने है। सो चलते हैं, देखते हैं क्या है, एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स बिगिन द व्लॉग। सो गाइस, चलते हैं अब सीधा मंदिर में, शूज वूज सबमिट करते हैं, और बैग भी है मेरे पास। सो गाइस, बैग सबमिट नहीं कर सकते, बैग को खुद ही कैरी करना पड़ेगा, और शूज़ यहाँ पे सबमिट हो जाता है, और उसके साथ आपको नंबर टोकन मिलता है। सो गाइस, जूता सबमिट कर दिया हमने, अब हम लोग ने अब चलते हैं पैर धोते हैं। सो जस्ट उसी के सामने ही नल है, जहाँ पर आप अपना पैर धो सकते हैं। सो गाइस, पैर वॉश करने के बाद अब सीधा चलते हैं मंदिर में, प्रवेश करते हैं। सो गाइस, थोड़ा सा आगे चलेंगे तो वहाँ पे लिखा रहता है जो मेन टेंपल का एंट्रेंस है। सो गाइस, यहीं से अब चलते हैं। हालांकि काफ़ी भीड़ तो नहीं है कोरोना की वजह से, अगर नॉर्मल डेज में भीड़ तो बहुत ज़्यादा हो जाता है और दर्शन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये मेटल डिटेक्टर है, और साथ ही यहाँ पे थर्मल स्क्रीनिंग भी हो रहा है। सो थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही आपको अंदर घुसने दिया जाएगा, और मास्क भी होना ज़रूरी है। सो गाइस, फाइनली हम लोग मेन टेंपल में हैं। यहाँ से जो मेन हनुमान जी का मेन मंदिर है, जो गर्भ भी है, वो काफ़ी नज़दीक है। सो चलते हैं। सबसे पहले मुझे अपने बैग के लिए कोई अच्छा सा जगह, सेफ जगह ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मेरे दोनों हाथ बिजी है, एक हाथ में फ़ोन है और दूसरे हाथ में बैग है, जिसकी वजह से मैं अच्छे से दर्शन भी नहीं कर पाऊँगा। तो मुझे लगता है ये जगह काफ़ी सही है, मुझे दिखेगा भी और सेफ है। तो मैंने यहाँ पे बैग को रख दिया, आप चलते हैं सीधा लाइन में लगते हैं। लाइन काफ़ी छोटी है, मैं 4-5 लोग ही है, मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगेगा मैक्स टू मैक्स। सो देख सकते हैं आप। सो फाइनली मैं मेन टेंपल के जस्ट सामने हूँ, आप देख सकते हैं पीछे, और अच्छी तरह से, और उसके बाद ये तुलसी जी का पत्ता मिलता है सबसे पैर पर। जाते हैं हम अपने बैग की तरफ। सो जैसे ही आप दर्शन कर लेते हैं, जस्ट मंदिर के बगल में बहुत सारे हनुमान चालीसा रखे होते हैं, जहाँ जो कि आप लेकर पाठ कर सकते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग पाठ कर रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। सो ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर बढ़ते हैं हम लोग आगे, और यहाँ से जैसे ही निकलते हैं लोग पूरा जो मेन मंदिर है उनका एक चक्कर मारते हैं, और लोग पीछे में भी बैठ हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। यहाँ से अब हम लोग चलेंगे फर्स्ट फ्लोर पे, आप देख सकते हैं इसी यहीं पे सीढ़ी है, जो मेन मंदिर है उसके जस्ट बगल में फर्स्ट फ्लोर के लिए ये सीढ़ी जाती है। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे डायरेक्ट। सो गाइस, फाइनली हम लोग मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत से लोग बैठे हैं और रिलैक्स कर रहे हैं। सो ये भी चीज़ यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, अगर आप यहाँ पर आते हैं और आपके पास कुछ टाइम है, तो आप यहाँ पे टाइम अपना स्पेंड कर सकते हैं।
और सफाई कर्मी यहाँ पे साफ़ सफाई का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखते हैं, हमेशा साफ रहता है ये जगह। और मैं बैग फिर से यहाँ पे रख देता हूँ क्योंकि ये जगह मुझे सेफ़ लग रहा है, तभी मैं अच्छे से घूम पाऊँगा और ब्लॉक कर पाऊँगा। और ये कैबिन आप जो देख रहे हैं, इसमें जो है जो अयोध्या का राम मंदिर है उसका पूरा ये ढांचा एक तरह से क्या चाहिए कि खाका तैयार किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं ये पूरा उड़ेन है जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है, आप देख सकते हैं। मैं इसको और अच्छे से लेने का कोशिश कर रहा हूँ। गाइस आप देख सकते हैं कितना अच्छे तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है, ये सारा उड़ेन एक एक चीज़ को काफ़ी वेल फर्निश्ड वेल फिनिश दिया गया है। और इस कैबिन में रुद्राभिषेक होता है, जिसको भी रुद्राभिषेक कराना होता है वो इसमें कराता है। और ये देख सकते हैं टेंपल का एंट्रेंस, और ये पटना शहर। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ से आपको ये रेलवे स्टेशन का थोड़ा सा पार्ट भी दिखता है। और ये सो गाइस फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं टेंपल के सेकंड फ्लोर पर, चलते हैं गाइस देखते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग प्लेस है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ रिलैक्स करने के लिए। आप यहाँ पे आराम से कितना भी देर रिलैक्स कर सकते हैं, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो मैं जा रहा हूँ थोड़ी देर यहाँ पे आराम करूँगा, मिलता होगा इस हिसाब से। सो गाइस मैं यहाँ पे थोड़ा सा आराम करने के लिए बैठ गया, यहाँ पे काफ़ी सही में बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहा हूँ मैं। सो आप भी यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
सो गाइस फाइनली इसी के साथ इस छोटे से व्लॉग को मैं एंड करता हूँ। आई होप आप सबको ये हनुमान टेम्पल का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल दैट बाय बाय, टेक केयर।